विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार चर्चा में बने हुए हैं। योगी सरकार में मंत्री पद पर रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा से चुनाव लड़ा, उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा है। आज इस खास रिपोर्ट में हम आपको स्वामी प्रसाद मौर्य की निजी जिंदगी से जुड़ी कुछ बेहद खास बातें बताने वाले हैं। अपने नामांकन पत्र के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो दस्तावेज दिए उसके आधार पर बीते 5 सालों में उनकी आय 6 गुना से ज्यादा बढ़ी है। स्वामी प्रसाद मौर्य की पत्नी के पास 35 लाख की फॉर्च्यूनर गाड़ी है और स्वामी प्रसाद के पास कोई वाहन नहीं है। मौर्य के पास 30,000 की नीलम की अंगूठी है, पत्नी के पास 7.5 लाख के जेवर हैं। जो जानकारी सामने आई है उसके आधार पर आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य की पत्नी के पास एक रिवॉल्वर और राइफल है। मौर्य का बैंक बैलेंस 1.65 लाख है, जबकि पत्नी का बैंक बैलेंस 43 लाख है। साल 2017-18 में मौर्य की आय 1 करोड़ रिपीट साल 2017-18 में स्वामी प्रसाद मौर्य की आय 1,46,000 रुपये थी, जो साल 2021-22 में बढ़कर 9,82,510 रुपये हो गई। उनके पास 50,000 हैं, जबकि उनकी पत्नी के हाथ में नकदी 65,000 रुपये हैं। जमीन के मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य से धनी उनकी पत्नी शिवा मौर्य है। स्वामी प्रसाद मौर्य के पास 3 लाख तथा पत्नी के पास 30 लाख की जमीन है। सपा प्रत्याशी के खिलाफ फौजपुर के मामले में एक वाद CJM कोर्ट सुल्तानपुर में लंबित है। आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार चर्चा में बने नजर आए। यूपी चुनाव में हार के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य कई नेताओं के निशाने पर भी हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन की रिपोर्ट।